कक्षा तीसरी कक्षा हिंदी विषय। आज हम पाठ 10 व्याकरण ग्रामर देख रहे हैं। पाठ 10 पाठ का नाम है संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक, संबंध बोधक किसे कहते हैं? तो संबंध बोधक शब्द की ओर जाने से पहले हम संज्ञा और सर्वनाम की व्याख्या का उससे पुनरावलोकन करेंगे। संज्ञा का मतलब क्या है? संसार में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव का कोई ना कोई नाम होता है जिसे कहते हैं संज्ञा। उदाहरण के तौर पर हमने कई सारे उदाहरण देखे। प्रत्येक वर्ग के लड़का है तो लड़कों के नाम, लड़की है लड़कियों के नाम, फूल है तो गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, पहाड़ है तो हिमालय पर्वत, पेड़ है तो नीम है, आम है, फल है तो पपीता, नारियल। तो इस तरह से संज्ञा के उदाहरण हमने देखे थे। इन शॉर्ट संज्ञा की क्या व्याख्या है? संज्ञा का मतलब कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव का कोई ना कोई नाम होता है जिसे कहते हैं संज्ञा। अब सर्वनाम का क्या अर्थ है? सर्वनाम का अर्थ है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द जिसे कहते हैं सर्वनाम। हर बार हम संज्ञा का प्रयोग नहीं करते, बार बार संज्ञा की संज्ञा का प्रयोग नहीं करते, जब जो शब्द प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं सर्वनाम। उदाहरण के तौर पर ये, वे, यह, वह, इनके, उनके, मैं, मुझे, मेरा, तू, तुम्हारा, आप, इसका, उसका, इनका, उनका, हमारा, तुम्हारा, ऐसे जो शब्द है उन्हें कहते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम की व्याख्या क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द जिसे कहते हैं सर्वनाम। तो हमने संज्ञा का मतलब और सर्वनाम का अर्थ जाना। संज्ञा के उदाहरण देखे और सर्वनाम के भी उदाहरण देखे। तो हमने संज्ञा और सर्वनाम का के बारे में क्यों जाना या उनके उदाहरण क्यों देखे? तो आज हम जिस शब्दों का या जिसका अभ्यास करने वाले संबंध बोधक शब्द, तो वो जो है वह संबंधित है संज्ञा और सर्वनाम से। कैसे? तो आज चलिए शुरू करते हैं संबंध बोधक शब्द या संबंध बोधक की व्याख्या जानिए, उसका अर्थ समझेंगे। संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ आप उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक का अर्थ क्या है? जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ आप उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उसे कहते हैं संबंध बोधक। संबंध जोड़ना संज्ञा तथा सर्वनाम का वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ना जिसे कहते हैं संबंध बोधक। तो संबंध बोधक शब्द कौन से होते हैं? तो चलो उदाहरण देते हैं संबंध बोधक शब्दों के। यहाँ पे एक सूची बनाएंगे, हम उदाहरण को पढ़ते हैं। संबंध बोधक शब्द होते हैं के बिना, के सामने, के साथ, के बिना, के सामने, के साथ, के मारे, के सहारे, के आगे, के पास, की ओर, के भीतर, के अलावा, के नीचे, के ऊपर, के अंदर, के बाहर। इस तरह के सभी में कॉमन चीज है के, के, के नीचे, के ऊपर, के अंदर, के बाहर, के अलावा, के बिना। तो ये जो शब्द है इसे कहते हैं संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द जो है वो संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ आते हैं और उनका संबंध वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उसे कहते हैं संबंध बोधक शब्द। तो उनके उदाहरण कौन से कौन से हैं? के बिना, के मारे, के आगे, की ओर, के अलावा, के सामने, के सहारे, के पास, के भीतर, के पीछे, के नीचे, के साथ। आपको कई बार व्याकरण में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न वाक्यों में से संबंध बोधक शब्दों को अधोरेखित कीजिए, मतलब संबंध बोधक शब्द को उसे अंडरलाइन करना होता है। तो संबंध बोधक शब्द कौन से आपने जाना? देखिए संबंध बोधक शब्द कौन से हैं? के बिना, के सामने, के साथ, के मारे, के सहारे, के आगे, के पास, की ओर, के भीतर, के अलावा, के पीछे, के नीचे, के अंदर, के
है। बंदर पेड़ के ऊपर है, इसमें के ऊपर जो है वह संबंध बोधक शब्द है जिसे हमने अधोलेखित कर दिया है। बंदर पेड़ के ऊपर है, के ऊपर जो है वह संबंध बोधक शब्द है जिसे हमने अधोलेखित कर दिया है। दूसरा है शेर पेड़ के नीचे है, के नीचे संबंध बोधक शब्द है। शेर पेड़ के नीचे है, के नीचे क्या है संबंध बोधक शब्द है। तीसरा है सूरज पहाड़ी के पीछे है, के पीछे संबंध बोधक शब्द है। सूरज पहाड़ी के पीछे है, के पीछे संबंध बोधक शब्द है। चूहा बिल के अंदर है, के अंदर संबंध बोधक शब्द है। चूहा बिल के अंदर है, के अंदर क्या है संबंध बोधक शब्द है। रमेश सुरेश के साथ है, के साथ संबंध बोधक शब्द है। रमेश सुरेश के साथ है, के साथ क्या है संबंध बोधक शब्द है। मेरा छोटा भाई दही के बिना खाना नहीं खाता, के बिना। मेरा छोटा भाई दही के बिना खाना नहीं खाता, के बिना जो है संबंध बोधक शब्द है। मैं रोटी सब्जी के साथ खाती हूँ, के साथ संबंध बोधक शब्द है। मैं रोटी सब्जी के साथ खाती हूँ, के साथ क्या है संबंध बोधक शब्द है। पेट दर्द के कारण मुझसे कुछ खाया नहीं गया, के कारण संबंध बोधक शब्द है। पेट दर्द के कारण मुझसे कुछ खाया नहीं गया, के कारण क्या है संबंध बोधक शब्द है। मुझे अपने छोटे भाई के बिना अच्छा नहीं लगता, के बिना क्या है संबंध बोधक शब्द है। मुझे अपने छोटे भाई के बिना अच्छा नहीं लगता, के बिना जो है संबंध बोधक शब्द है। तो संबंध बोधक शब्द क्या करते हैं, संबंध बोधक शब्द जो है वो संज्ञा और सर्वनाम के साथ आते हैं और उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्यों में आए दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्दों का या संबंध बोधक की व्याख्या क्या है, जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। संबंध बोधक शब्दों के उदाहरण कौन से है, के बिना, के सामने, के सहारे, के मारे, के साथ, के आगे, के पास, की ओर, के भीतर, के अलावा, के पीछे, के नीचे, के अंदर, के बाहर। कौन से कौन से, के बिना, के सामने, के साथ, के मारे, के सहारे, के आगे, के पास, के पीछे, की ओर, के भीतर, के अलावा, के नीचे। अब हमने अलग अलग वाक्य भी देखे हैं जिसमें संबंध बोधक शब्द है। बंदर पेड़ के ऊपर है, के ऊपर संबंध बोधक शब्द है। बंदर पेड़ के ऊपर संबंध बोधक शब्द है। शेर पेड़ के नीचे संबंध बोधक शब्द है। सूरज पहाड़ी के पीछे संबंध बोधक शब्द है। चूहा बिल के अंदर है, के अंदर क्या है संबंध बोधक शब्द है। रमेश सुरेश के साथ है, के साथ संबंध बोधक शब्द है। मेरा छोटा भाई दही के बिना खाना नहीं खाता, के बिना क्या है संबंध बोधक शब्द है। मेरा छोटा भाई दही के बिना खाना नहीं खाता, के बिना क्या है संबंध बोधक शब्द है। मैं रोटी सब्जी के साथ खा
खाती हूँ के साथ क्या है समवर्ग शब्द है। मैं रोटी सब्जी के साथ खाती हूँ के साथ क्या है संबंध बोधक शब्द है। पेट दर्द के कारण मुझसे कुछ खाया नहीं गया के कारण संबंध बोधक शब्द है। पेट दर्द के कारण मुझसे कुछ खाया नहीं गया के कारण क्या है संबंध बोधक शब्द है। मुझे अपने छोटे भाई के बिना अच्छा नहीं लगता के बिना संबंध बोधक शब्द है। मुझे अपने छोटे भाई के बिना अच्छा नहीं लगता के बिना क्या है संबंध बोधक शब्द है। तो संबंध बोधक शब्दों के उदाहरण है के ऊपर के नीचे के पीछे के अंदर के पास के बाहर या फिर के बिना के सामने के साथ के मारे के सहारे के आगे के पास की ओर के भीतर के पीछे के अलावा के नीचे के अंदर या के बाहर। कुछ उदाहरण और देते हैं देखिए। जैसे देर तक सोने के कारण मैं स्कूल नहीं जा सकी के कारण देर तक सोने के कारण मैं स्कूल नहीं जा सकी। उसके बाद हमारे घर के नीचे एक बहुत बड़ा मंदिर है के नीचे क्या है समर्थ बोधक शब्द। या फिर हमारे स्कूल के ऊपर एक बहुत बड़ा टेरेस है के ऊपर क्या है समर्थ बोधक शब्द। प्रशांत दूध के अंदर हल्दी डालकर पीता है के अंदर क्या है समर्थ बोधक शब्दों का उदाहरण है। चोर रस्सी के साथ छत पर चढ़ा के साथ क्या है संबंध बोधक शब्दों का उदाहरण है। चोर रस्सी के साथ छत पर चढ़ा। भूख के बिना मेरे पेट में चूहे कूदने लगे भूख के बिना क्या है संबंध बोधक शब्द। तो एक बात दूसरे संबंध बोधक शब्द का अर्थ कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्दों के उदाहरण कौन से हैं के बिना के सामने के साथ के मारे के सहारे के आगे के पास की ओर के भीतर के अलावा के पीछे के नीचे के अंदर के बाहर। इसके उदाहरण में हम देखें बंदर पेड़ के ऊपर है के ऊपर क्या है कि संबंध बोधक शब्द। शेर पेड़ के नीचे है पेड़ के नीचे संबंध बोधक शब्द। सूरज पहाड़ी के पीछे संबंध बोधक शब्द। चूहा बिल के अंदर संबंध बोधक शब्द। रमेश सुरेश के साथ संबंध बोधक शब्द। मेरा छोटा भाई दही के बिना खाना नहीं खाता के बिना संबंध बोधक शब्द। मैं रोटी सब्जी के साथ खाती हूँ के साथ संबंध बोधक शब्द। पेट दर्द के कारण मुझसे कुछ खाया नहीं गया के कारण संबंध बोधक शब्द। मुझे अपने छोटे भाई के बिना अच्छा नहीं लगता के बिना संबंध बोधक शब्द। तो आपको आज का पाठ 10 संबंध बोधक शब्द तृतीय कक्षा अच्छे से समझ में आया होगा। तो संबंध बोधक शब्दों के उदाहरण के सहारे आप अलग अलग छोटे छोटे वाक्य बना सकते हो और पढ़ सकते हैं। इसका सराव जरूर कीजिएगा आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इसका सराव जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।